नाउ फंक्शन बींग द बेसिस हाउ वी कैन कैटेगराइज जो काम करते हैं उस काम के आधार पे कैसे उसको बांटा जा सकता है क्लाउजेस को टाइप को एक तो हमने बांटा था उसके नेचर के आधार पे कि जो इंडिपेंडेंट रह कर सकते हैं जो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे जो स्वतंत्र मीनिंग देते हैं जो निर्भर रहते हैं वो डिपेंडेंट कहलाएंगे या सब कहलाएंगे या तो यहाँ पर अब हम फंक्शन के आधार पर थोड़ा जाने कि इनके क्या हैं आगे फिर और इसको फिर दोहराएंगे बट एक शुरुआत में आपको थोड़ा जानना जरूरी है कि फंक्शन के आधार पर बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस द क्लॉजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स फंक्शनल कैटेगराइजेशन number one noun clause noun sangya just a is past hai, you can get some hint out of it and that makes your job easier it's a group of words which contain a subject it's a clause but does the work of a noun remember that it does the work of a noun एक नाउन का काम करता है जो बंश फॉर एग्जाम्पल आई लाइक वॉट आई सी ये आई लाइक वॉट आई सी जिसमें वॉट आई सी की जगह मैं लिख दू आई लाइक केक सो केक इज ए नाउन सो वॉट आई सी इज नाउन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट सो दिस कैन बी कॉल्ड ए नाउन क्लॉज इट्स लाइक सेट आई I eat what I like. I like what I see. It's like saying I like cake. I like, I like cake. The this portion here, this clause is functional. It's functioning as a noun. Could you get me? So group of word that does the work of a noun. that is called noun clause. The second क्लॉस second टाइप इज adjective. Adjective क्या होता है हिंदी में एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण और विशेषण का क्या काम होता है विशेषण का काम है विशेषता बताना किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना विशेषता किसकी बताएगा नाउन प्रोनाउन की तो विशेषता बताएंगे राम जो ऊंचा है मोहन जो तेज चलता है गोरा लड़का तो ये तो विशेषण है ना गोरा ऊंचा है तेज चलता है ये विशेषण ऐसे इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज अब क्या है दो ग्रुप ऑफ वर्ड दे क्वालिफाई फॉर द नाउन विच लाइक ऑल क्लॉज वेर इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इसमें सभी क्लॉज जैसा सब्जेक्ट भी होगा प्रेडिकेट भी होगा लेकिन एबजेक्टिव यह नाउन को क्वालिफाई करेगा नाउन को क्वालिफाई करने का क्या होता है नाउन के बारे में बताएगा इन अदर वर्ड यूजली कम्स आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज जैसा मैंने क्या बताया राम हु राम नाउन है हु एडजेक्टिव एडजेक्टिव है विशेषता बता रहा है तो ये किसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट के बाद आ रहा है सब्जेक्ट के बाद हु बोला गया सो इट क्वालिफाइज ये सेंटेंस को समझने की कोशिश करें इट क्वालिफाइज द नाउन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड्स ए क्लॉज नॉर्मली ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है इसमें यदि आप सवाल पूछें एडजेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट काइंड किस तरीके का है ऊंचा है कितने हैं बहुत सारे हैं या कौन सा ये वाला मुझे ये साइकिल पसंद आई तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है जी आई लाइक दिस साइकिल दिस बिकम्स इट क्वालिफाइज दर सो वॉट आई मीन इज एड्जेक्टिव क्लॉज इज ए क्लॉज हैविंग ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट बट इट क्वालिफाइज द नाउन नाउन की विशेषता बता रहा होता है और इसको समझने के लिए सवाल पूछ लो अपने से वहीं पर किस तरीके का किस क्वालिटी का कितना या कौन सा ऐसे जो सवाल पूछोगे तो जो उत्तर आएगा वो बता देगा ये एडजेक्टिव क्लॉज है फॉर एग्जाम्पल द अम्ब्रेला विच हैज ब्रोकन हैंडल इज माइन द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन अम्ब्रेला मतलब छाता माइन मने माइन एम आई यानी माइन मेरा माई से बना है माई से बना है माइन द अम्ब्रेला विच इज ब्रोकन इज माइन या द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन अब ये एडजेक्टिव क्लॉज है कैसे अम्ब्रेला कौन सा अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल द अम्ब्रेला इज माइन कंप्लीट सेंटेंस था लेकिन आगे जुड़ा हुआ है विच has ए ब्रोकन हैंडल ये स्वयं में कुछ अर्थ नहीं बता रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है किस पर अम्ब्रेला पर विच हैज ए ब्रोकन हैंडल विशेषता बता रहा है कौन सा अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है जिसमें टूटा हुआ हैंडल है वो अम्ब्रेला की मैं बात कर रहा हूं कि वो मेरा है दूसरा वाला नहीं So, here gaya, for example the umbrella which has a broken handle is mine. this highlighted portion is a clause that is functioning as an adjective which has a broken handle. This is the highlighted portion. So this is adjective clause. Now let us come to the third one, and this is the last one for you among the types of clauses that we are going to study we are going to learn and then we will have a series of exercises or little more understanding first is noun clause it's a clause but indicates noun second is adjective clause again a clause qualifies the noun and third is adverb clause एडवर्ब क्या है एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताए हिंदी में क्या बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज को एडवर्बॉस वर्ब एडवर्ब वर्ब मतलब क्रिया जो क्रिया की विशेषता बताए वो वाला क्लॉज क्या कहलाता है हिंदी में या क्रिया की विशेषता बताने वाला जो ग्रुप है उनको क्या कहते हैं क्रिया विशेषण राइट क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला तो विशेषण हुआ क्रिया की विशेषता बताने वाला वर्ब की वर्ड्स विद क्वालिफाइज वर्ब्स इज कॉल्ड एड वर्ब नाउ हियर कम द थर्ड कैटेगरी बेस्ड ऑन फंक्शंस बेस्ड ऑन फंक्शन जिस तरीके का फंक्शन है उसके आधार पर थर्ड कैटेगरी एडवर्ब क्लॉज अगेन इट्स अ क्लॉज डस द वर्क ऑफ एन एडवर्ब एक एडवर्ब का काम करता है और जब एडवर्ब क्लॉज निकालना हो हमको किसी एक सेंटेंस से तो हाउ कैसे वह गिर गया वह पेड़ से गिर गया तो गिर गया वर्ब है कैसे हाउ पेड़ से ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री हाउ फ्रॉम द ट्री वेन वे और फॉर एग्जाम्पल वाइफ वाई ये सवाल यदि पूछोगे तो आपको एडवर्ट क्लॉज पता लग जाएगा किसी सेंटेंस के अंदर जैसा एडजेक्टिव क्लॉज के लिए हमने बताया था क्वांटिटी कितना आदि आदि ये जो जो विशेषण बताते हैं उनके शब्दों की तरह यहां पे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ले निकालवाना हो तो क्या सवाल पूछना पड़ेगा वाई वेयर हाउ वेन कब क्यों कैसे कहां? ये सवाल पूछें तो आपको एडवर्ब क्लॉज निकल आएगा तो फॉर एग्जाम्पल यू मे सिट यू मे सिट तुम बैठ सकते हो यू लाइक इट या यू लाइक तुम बैठ सकते हो बीच में खालिस्थान यू लाइक like. क्या शब्द आएगा वेर एवर जहां भी बैठ सकते हो तुम जहा चाहो वहां बैठ सकते हो यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक सिट की विशेषता बता कहा बैठ सकता हूं जहां चाहो यार वेर एवर यू वॉन्ट कितना बैठ सकता हूं पांच घंटा इट्स अनदर क्लॉज कैसे बैठ सकता हूं क्रॉस लेगेड तो ये क्या बता रहा है क्रिया की विशेषता बैठ सकता हूं की विशेषता बता रहा तो यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज फंक्शनिंग एज एड वर्ब वेर एवर यू लाइक राइट सो दिस इज अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉज दैट वी हैव हैव स्टडीड। लेट अस अ कैप ऑन टाइप्स ऑफ क्लॉज दैट वी स्टडीड अब क्लॉज क्या है ये तो बहुत ही आधारभूत चीज हो गई आपके लिए बच्चों का खेल हो गया क्लॉज क्या है और क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है ये भी आप समझ गए हो फ्रेज का थोड़ा बहुत मीनिंग निकलता है पर उसके आगे कुछ नहीं और क्लॉज में वर्ब भी होता है क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है तो अभी हमने क्लॉज के बारे में उसके सब पूरे डिटेल्स पढ़े थोड़ा सा एक रिकैप कर लें इससे पहले हम और एग्जाम्पल भेजाएं एंड लेट ए ग्राफिक रिकैप यू हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज हियर विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज एंड देन यू हैव डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज आर ऑफ थ्री टाइप्स नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्व क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा है तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर ये बनाए बट ये जरूर आप याद रखें कि डिपेंडेंट क्लास के तीन टाइप हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हो तो जब भी आप कोई सी टाइप की बात करें चाहे नाउन क्लॉज चाहे एडजैक्टिव क्लॉज चाहे समझ जाइए ये डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं In other words, all these three clauses are subordinate clause or dependent clause. They can never be independent clause. Am I right? Now let us see noun clause, type three. That acts as a noun. I believe that I will go to market, I will pass the examination, that is noun clause. Similarly, we come to the adjective clause. That act as adjective. The boy who you saw hates me. The boy who you saw at the bus stop committed suicide. The girl who is leading the parade is my sister. Who is leading the parade is my sister. Adjective. Her. The third is: Can you see the bird that is there on the perch on the table? That is perched on the fence. That is perched on the uh, tree. Perch means what? Bathe huna. Ye adjective class ke udharan And similarly, next is adverb clause. Or remember, don't forget that these clauses are all dependent clauses.

तो वर्ब जाना होगा के लिए यहाँ पर यह डिपेंडेंट क्लॉज है जो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है पसंद आया ना आया सिमिलरली ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड इसका क्या अर्थ हुआ उसने तुम्हारी तुलना में पार्टी का ज्यादा आनंद लिया या तुम्हारी तुलना में उसे पार्टी में ज्यादा आनंद आया ज्यादा आनंद आना पार्टी में आनंद आना आनंद आना दैट इज वेयर इट मेक दिकोकि वर्ब की विशेषता बता रहा है तुमसे ज्यादा आनंद आया क्या आया आनंद आया मजा आया फन हुआ So it is the और इट इज शोइंग द विशेषता ऑफ़ वर्ब की विशेषता बता रहा है इसमें थोड़ा एक्सरसाइज चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चूज द गिफ्ट फॉर होम सोवर यू वॉन्ट देखिए चूज द दे गिफ्ट गिफ्ट क्या है नाउन है किसी को ले जाना हो उसके लिए गिफ्ट ले लें यदि नाउन है तो क्या होगा नाउन क्लॉज की कैटेगरी में आएगा होम सो एवर यू वॉन्ट फॉर होम सो एवर जिसके लिए भी चाहिए क्या गिफ्ट गिफ्ट क्या है नाउन है तो ये क्या हो गया नाउन क्लॉज और क्लॉज क्यों हुआ चूज द गिफ्ट स्वयं में पूरा नहीं हो रहा है ना या होम सो एवर यू वॉन्ट स्वयं में पूरा नहीं हो रहा म्स एवर यू वॉन्ट ये क्या अपने में पर्याप्त हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इट इज डिपेंडेंट ऑन चूज द गिफ्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज चूज द गिफ्ट तो आप देखो कैसे नाउन की विशेषता नाउन को कनेक्ट करता हुआ जो क्लॉज हो वो नाउन क्लॉज द सेकेंड इज द बुक दैट इज ऑन द टेबल द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रामा विच बुक कौन सी किताब की बात हो रही हो जो टेबल पर रखी है किताब कैंसी जो टेबल पर रखी है दैट इज ऑन द टेबल तो दिस इज वॉट एडजेक्टिव दिस इज वॉट क्यो एडजेक्टिव क्लॉज एक विशेषता बता रहा है कौन सी किताब विच इज ब्लू इन कलर कैसी किताब विच इज है इन साइज तो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड इज द ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क, द ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क एसेट मतलब क्या संपत्ति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कठोर परिश्रम हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है कठोर परिश्रम संपत्ति क्या है नाउन नाउन के साथ जो जुड़ रहा है वो नाउन क्लॉज होगा नाउन के बारे में जो बता रहा है वो नाउन क्लॉज होगा और क्या बता रहे हैं कि कठोर ये संपत्ति जो है सबसे बड़ी संपत्ति क्या है वर्क सो इज वर्क दैट इज नाउन क्लॉज we can swim in the past we can swim in the past as long as we can put on plenty of dress keh lijiye plenty of swimming suit keh lijiye right now ye kisko qualify kar raha hai swim kya hai swim kriya hai kriya ke liye bata raha hai कि जब तक हम पर्याप्त कपड़े पर्याप्त सूट पर्याप्त ड्रेस पर्याप्त चीज प्लेंटी plenty है ना क्या होता पर्याप्त पर्याप्त तो जब तक हम पर्याप्त करें तो ये क्रिया किसकी ये क्रिया की विशेषता बता रहा दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज दिस इज कॉल्ड व्हाट एडवर्ब क्लॉज आई क्लियर सो हैविंग डन दिस थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेज एंड हैविंग ट्राइड टू अंडरस्टैंड द थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज वी मूव टू द नेक्स्ट वन या एक और कर ले वॉट लता सेड मेड हर फ्रेंड क्राई ये लास्ट कर लेते हैं वॉट लता सेड मेड हर फ्रेंड क्राई लता ने जो कहा उसने उसके मित्र को रुला दिया मेड हर फ्रेंड क्राई वॉट लता किसने जो उसने कहा वॉट लता सेड जो उसने कहा व्हाट लता सेड स्वयं में पूरा अर्थ नहीं दे रहा है लेकिन यदि इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज जिससे जोड़ते हैं तो ये नाउन क्लॉज बनेगा मेड हर फ्रेंड्स क्राई सो दिस इज नो नाउन क्लॉज ओके सो थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस एंड लिटिल मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम एंड नाउ वी हैव फ्यू

सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज जितने भी सिंपल सेंटेंस जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो सिंपल सेंटेंस रहेगा अब कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं एक हमने कैटेगराइजेशन किया था फंक्शन के आधार पे और एक कैटेगराइज डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के आधार पे हियर इज अनदर टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सेंटेंसेस और इसमें हमने आपको समझाया है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंपाउंड क्लॉज जो है या कंपाउंड सेंटेंस है उसका पहला हिस्सा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कंपाउंड क्लॉज का एक हिस्सा है इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है कोऑर्डिनेट और कंजंक्शन यानी यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके नीचे होता है डिपेंडेंट क्लॉज और इन दोनों को जोड़ता हुआ जो शब्द होता है जिसकी मैंने चर्चा की थी उसको मैंने कहा था सब आप उसको कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं वो कंजंक्शन भी होते हैं कंजंक्शन का भी मैंने जिक्र किया था जैसे एंड सो कंपाउंड सेंटेंसेस हैव वन इंडिपेंडेंट एंड वन अनादर इंडिपेंडेंट क्लॉस दोनों इंडिपेंडेंट हों दोनों स्वयं में अपना मीनिंग रखें दोनों स्वयं में और डिपेंडेंट क्लॉस जब आएगा तो वह तीसरी श्रेणी में चला जाता है वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स फिर से मैं दोहराता हूँ एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सेंटेंस यदि हो सिंपल सेंटेंस तो दैट विल बी कम अंडर दैट विल बी कॉल्ड सिंपल सेंटेंस राइट यदि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी एक कनेक्टर से जोड़ दिए जाएं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी एक कनेक्टर से जोड़ दिए जाएं या दूसरे शब्दों में किसी एक सेंटेंस में दो क्लॉज हों और दोनों के अपने मीनिंग हो दोनों अपने तई पूर्ण हो दोनों अपने तय पूरा मीनिंग दे रहे हों वो कहलाएगा कंपाउंड और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या होता है एक इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही दूसरा जो क्लॉज होगा या दूसरे जो क्लॉजेज होंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे एम आई क्लियर तो हियर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्लॉजेस दे आर इन थर्ड को मैं फिर से बता दूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट सेंटेंस वेयर यू हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज अनदर वर्ड एंड एटलीस्ट वन नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्लियर नाउ लेट अस कम टू सिंपल क्लॉज सिंपल सेंटेंस आई कैन स्पीक इंग्लिश बड़ा सीधा है ये सिंपल सेंटेंस बोलो या सिंपल क्लॉज बोलो आई कैन सी आई कैन स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ आई एम हैप्पी ये सिंपल क्यों है मेरे ख्याल से अब इस स्टेज पे आप गए हो जब समझाने की जरूरत सिंपल इसलिए है क्योंकि ये स्वयं में एक पूरा मीनिंग दे रहे हैं इसमें एक वर्ब भी है इसमें एक सब्जेक्ट भी है और कंप्लीट सेंटेंस है यानी एक पूरा मीनिंग दे रहे हूं। तब तो जाके कंप्लीट सेंटेंस होगा दूसरा आई एम हैपी मैं खुश हूं आई सब्जेक्ट एम वर्ब एम वर्ब है क्या एम वर्ब होता है क्या और यदि एम इज ए वर्ब रिमेम्बर और उसका मूल वर्ब क्या है एम किससे बना हुआ है बी से बी ई बी से मूल इज एम आर वर वॉ यह सब किसके फॉर्म है किस वर्ग के फॉर्म है बी के फॉर्म है और एम जो है उसकी खासियत यह है कि इट इज बोथ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज ए मेन वर्ब दोनों ही हो बी जो है हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन भी हर आई एम हैप्पी यहां तो मेन वर्ब है यहां किस को हेल्प कर रहा है इट इज नॉट हेल्पिंग इट्स मेन वर्ब हि डिटेल्स अबाउट दिस यू कैन सी फ्रॉम अदर वीडियोज दैट ऑलरेडी टोल्ड यू ऑलरेडी टॉक टू यू शी क्राइज शी क्राइज क्राइज मतलब क्या हुआ क्राई मने तो मैं जानता हूं आप जानते हैं रोना टू क्राई सी आर वाई क्राई मने रोना अब ये क्राइज मतलब क्या हो गया जब कर्ता एक वचन हो वेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर तब वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं याद रखिए जब सब्जेक्ट इज सिंगुलर तब एस में तब वर्ब में क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं दूसरे शब्दों में यदि क्रिया में एस या ई एस जुड़ा है तो कर्ता कौन है एक वचन की बहुवचन कर्ता एक वचन होगा राइट सो क्राई बिकम्स क्राइज यदि शी की जगह दे होता तो दे के बदसात क्राई ही रहता उसमें एस ई एस नहीं जुड़ता तो दे क्राई ये स्वयं में कंप्लीट सेंटेंस है तो इट इज अ वेरी सिंपल क्लॉज